नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव आप सभी का एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की कक्षा में हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, जो है अपना कैलेंडर। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, यदि बात किया जाए कैलेंडर के पढ़ने के तरीके की, तो कैलेंडर पढ़ने में कुछ आपको सूत्र, कुछ आपको कोड, कुछ आपको ट्रिक्स ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन इस कक्षा में आपको कोई भी सूत्र, कोई भी ट्रिक और कोई भी आपको ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि जिसको आप याद करें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझने लायक बातें हैं, और आपको जो समझाऊंगा, यदि मैं यहाँ आपको एक भी लिखा उसका भी अर्थ बताऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं अपन कैलेंडर की, सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है। बात करें सबसे छोटी जो इकाई है, एक है अपना दिवस और एक इकाई है अपना दिन। यदि बात किया जाए दिवस, आप दिवस किसको बोलेंगे, दिन किसको बोलेंगे। जैसे आपको पता होगा कि जो आप लोग सप्ताह, आप ऐसा बोल देते हैं कि सात दिन का जो समूह है, या फिर ऐसा कहें कि सात दिन में क्या बनेगा, एक सप्ताह। क्या बनेगा, एक सप्ताह। उसी फॉर्मेट से आप लोग दिवस किसको कहेंगे और दिन किसको कहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप दिवस जो कहेंगे वो 12 घंटे की जो अवधि है, कितने घंटे की अवधि साथियों, 12 घंटे की जो अवधि है उसको आप दिवस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक दिवस। अब बात करें दिन की, तो दिन की यदि बात करें तो 24 घंटे की जो अवधि है, 24 घंटे की अवधि, उसको आप क्या कहेंगे, दिन। तो आपने सबसे पहले बात किया, एक शब्द था अपना दिवस और एक शब्द था अपना दिन। तो बात किया जाए कि दिवस आपन को किसको कहना है, 12 घंटे की जो अवधि है उसको आप क्या कहेंगे, दिवस, और जो 24 घंटे की अवधि है उसको आप क्या कहेंगे, दिन। अब बात करते हैं दिन से बड़ी जो इकाई है वो अपनी है सप्ताह। जैसा आपको पता होगा कि सात दिन का जो समूह है उसको आप क्या कहेंगे, एक सप्ताह। अब सप्ताह से बड़ी जो इकाई है इस कैलेंडर में वो अपना है महीना या माह। तो यदि बात किया जाए महीना या महीनों की संख्या, आप लोग महीने में कितने दिन होंगे, यदि वो बात करें तो आप सबको पता होगा जनवरी जो महीना है, जनवरी जो माह है, उसमें कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, 31। ये वाली चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है, और लगभग सब विद्यार्थियों को ये वाली बात याद भी होती है। बात करें फरवरी महीने की, तो फरवरी माह में कुल दिनों की संख्या 28 भी और 29 भी। ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगा कब, किस वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन होंगे और किस वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होंगे। बात करें मार्च की, तो मार्च में कितने दिन होंगे, 31। अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30। मई में कितने दिन होंगे, 31। जून में कितने दिन होंगे, 30। जुलाई की बात करें कितने दिन होंगे, 31। अगस्त में दिन होंगे 31। अगस्त के बाद में बात करें सितंबर, 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30 दिन में, और बात करें दिसंबर माह में जो दिन होंगे वो होंगे अपने 31। तो ये तो बात है अपने किस महीने में कुल कितने दिन होंगे, जैसे जनवरी में कितने होंगे, 31, फरवरी में कितने होंगे, 28 और 29। अब साथियों मैं थोड़ा सा आपको ये बात बताता हूं कि आप इनको याद कैसे करेंगे, किस महीने में कितने दिन होंगे और किस महीने में कितने दिन होंगे। आप सबको पता होगा फरवरी को आप लोग याद करेंगे कि फरवरी माह में कितने दिन होंगे, 28 या 29। कितने दिन होंगे, 28 या 29। अब बात करें आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे कुछ याद नहीं करेंगे। आप लोग यदि इसको देखें 12 महीने की, यदि मैं बात करूं कि इनमें क्या बात है ऐसी जो आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे, तो अपने पास
तीस दिन वाले जो महीने हैं वो चार हैं। एक तो 30 दिन का जो महीना है वो अपना है अप्रैल, एक 30 दिन का महीना है जून, और उसके बाद में एक 30 दिन का महीना है सितंबर, और एक है नवंबर। 30 दिन किस किस महीने में होंगे? एक तो होगा अप्रैल में, एक होगा जून में, एक होगा सितंबर में, और एक होगा नवंबर में। मतलब कि यह कि 12 महीने में से जो चार माह हैं अपने वो तो हैं 30 दिन के। कौन कौन से हैं चार महीने? एक तो है अपना अप्रैल, एक है अपना जून, और एक है सितंबर, और एक है नवंबर। ये जो चार महीने हैं अप्रैल जून सितंबर, आप इन चार को याद रखें, बाकी सबको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इन चार को याद रखें, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। जो ये चार महीने हैं इनमें दिनों की संख्या कितनी होगी सभी में? 30-30 दिन। बात है फरवरी की, उसमें कितने दिन होंगे? 28 या 29। और जो शेष बचे वो सभी महीने कितने दिन के होंगे? 31 की। जैसे जनवरी में 31 दिन, मार्च में 31 दिन, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर और दिसंबर में। एक तो ये तो था अपना लिखने के बाद याद करने का तरीका, और एक कुछ अपन ने पहले से पढ़ा हुआ होगा या सुना होगा अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से, घर में किसी से, कि जैसे अपना हाथ है उसमें जो ये हाथ की अंगुलियां हैं, जो टकना है यहाँ, इसमें जो ऊपर जो भी आएगा, जैसे जनवरी, फिर मैं बात करूं फरवरी, फिर बात करें मार्च अप्रैल, जो ऊपर टकने पे आएंगे वो तो होंगे 31 दिन के, और जो नीचे वाले भाग में गड़े हुए भाग में जो भी महीना आएगा वो होगा अपना 30 दिन का, और फरवरी को आप ऐसे याद करेंगे 28 और 29 में। ये तो था अपना ये पुराना जो पहले से पढ़ते आए, और ये है अपने पढ़ने का तरीका एक अच्छे लेवल का, कि आप इस बात को किस फॉर्मेट से याद रख सकते हैं वो मैंने बताया है, कि आप सिर्फ चार महीनों को याद रखना है, 12 को याद नहीं करना कि किस में कितने दिन होंगे। जो चार महीने आपको याद रखने हैं वो चार महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। अप्रैल कितने दिन में और कितने दिन के होंगे? 30। जून में कितने दिन होंगे? 30। सितंबर में कितने होंगे? 30। और नवंबर में कितने होंगे? 30। चार तो ये हैं, पांचों आपको याद रखना फरवरी में 28 और 29, बाकी जो भी बचा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इन सब में कितने दिन होंगे अपने? 31 दिन। ये तो बात है साथियों अपने एक 12 महीने में किस महीने में कितने दिन होंगे। अब बात किया जाए महीने से जो बड़ी इकाई है, महीने से बड़ी इकाई वो अपनी होगी वर्ष। क्या होगी? वर्ष। अब बात करेंगे यहां से वास्तविकता में जो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वो आपको एक तो ये वाली चीज याद होना जरूरी है, और सबको याद होगा, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। और एक जो आपको याद करना है, अब आप पढ़ेंगे यहां से कि वर्ष क्या होगा, कितने फॉर्मेट के वर्ष होंगे, किस वर्ष की क्या विशेषता होगी, वो मैं अभी विस्तृत चर्चा करूंगा आपके साथ। बात करते हैं सबसे पहले वर्ष की, तो जरा ध्यान से देखना, वर्ष दो फॉर्मेट के यानी दो प्रकार के वर्ष होंगे। एक तो वर्ष होगा अपना साधारण वर्ष। क्या होगा? साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। दूसरा होगा अधिवर्ष। साथियों कुछ विद्यार्थी इसका नाम ऐसा बोल देते हैं कि लीप वर्ष। लीप ईयर तो है नाम, लेकिन वो इंग्लिश में लीप ईयर, उसको हिंदी में जो बोला जाता है वो अधिवर्ष बोला जाता है। परीक्षाओं में लीप वर्ष का नाम न देकर, लीप वर्ष न लिखकर परीक्षा में नाम क्या लिखा हुआ आएगा? अधिवर्ष। तो आपको बार बार अधिवर्ष ही बोलना है। तो ये तो बात हुई वर्ष कितने फॉर्मेट का होगा, एक तो होगा साधारण वर्ष और एक होगा अधिवर्ष। अब बात करते हैं कि आप किस वर्ष को साधारण वर्ष कहेंगे और किस वर्ष को आप अधिवर्ष कहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप साधारण वर्ष किसको कहेंगे और अधिवर्ष किसको कहेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे बताऊं तो एक तो आप इनमें समझेंगे कि इनकी परिभाषा या इनकी पहचान क्या है, एक दूसरा इनके जांच करने का तरीका, जांच करने का तरीका, एक दोनों साधारण वर्ष और अधिवर्ष में अंतर। अब आप इन तीन बिंदुओं से समझेंगे कि साधारण वर्ष तो कौन सा होगा और अधिवर्ष कौन सा होगा।
सबसे पहली बात करता हूं कि परिभाषा या आप इसको साधारण वर्ष को और अधि वर्ष को आप किस फॉर्मेट में परिभाषित कर सकते हैं या आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात है अपनी परिभाषा की। तो यदि मैं बात करूं कि वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार क्या हो सम्मान, मैंने क्या बोला, वह वर्ष जिसका प्रथम दिन का मतलब होगा जनवरी, 1 जनवरी, और अंतिम दिन का मतलब होगा अपना 31 दिसंबर। मैंने कहा वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों को वार क्या हो सम्मान, जैसे 1 जनवरी को भी सोमवार ही आए और 31 दिसंबर को भी क्या आए, सोमवार। यदि ऐसा है 1 जनवरी को भी सोमवार और 31 दिसंबर को भी सोमवार, तो आप उस वर्ष को कौन सा वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष। अब बात करते हैं अधिवर्ष किसको कहेंगे। तो अधिवर्ष वह वर्ष होगा जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार सम्मान नहीं होगा, यानी यदि यहां 1 जनवरी को सोमवार है तो यहां 2 जनवरी को जो होगा, सॉरी 31 दिसंबर को जो होगा वो होगा अपना मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। जरा ध्यान से देखना, फिर बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है, वो प्रश्न किस फॉर्मेट से पूछा था आपको वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, साधारण वर्ष किसको कहेंगे आप, वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार क्या हो सम्मान, तो उसको क्या कहेंगे आप, साधारण वर्ष। और दूसरी बात मैंने क्या कही, वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार सम्मान नहीं हो यानी अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे आप, अधिवर्ष। ये तो बात हुई साथियों इसकी परिभाषा की, इसको आप किस भाषा में बोल सकते हैं वो। दूसरी बात है इसका जांच करने का तरीका, आप ये कब डिफाइन कर पाएंगे कि ये साधारण वर्ष होगा या आप कब कहेंगे कि ये अधिवर्ष होगा, तो वो बात जरा ध्यान से समझना। जैसे बात करता हूं मैं, यहां लिखूं 2009, ये जो 2009 का जो वर्ष है ये साधारण वर्ष है या ये अधिवर्ष है, ये वाली बात समझें। तो आप लोग याद रखना, आप इस 2009 के बारे में कब कहेंगे या कि 2009 साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है, ये वाली बात आप कैसे पता करेंगे। तो आपको 4 का भाग देना है, कितने का भाग देना है साथियों, 4 का भाग, और 4 का भाग कहां देना है, जो 2009 है उसके लास्ट के अंतिम 2 डिजिट में, इकाई और दहाई का जो अंक है 0 और 9, इसमें आपको कितने का भाग देना है, 4 का। कितने का भाग देना था, 4 का। यदि 4 का भाग, ये तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद की बात क्या है, 4 का भाग देने के बाद यदि आपके पास कुछ शेष बच रहा है तो वो वर्ष होगा साधारण। ये बात कैसे होगी, जैसे 0 और 9 में आप लोग 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बार तो पूरा गया, और 4 दुनिया 8, 2 बार तो पूरा जाएगा, और शेष अपने पास कितना बचेगा, 1। 0 और 9 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेष कितना बचेगा, 1। यानी शेष यदि बच रहा है तो वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। ये तो बात हो गई कि साधारण वर्ष किसको कहेंगे। मैंने क्या कहा, फिर बता रहा हूं, जैसे यदि यहां लिखे 2017, तो आपको देखना है कि 2017 साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो मैंने क्या कहा, 4 का भाग देना है आपको, 4 का भाग कहां देना था, अंतिम 2 अंकों में। किस में देना है, अंतिम 2 अंकों में। तो यदि 17 में 4 का भाग देंगे तो फिर वही बात है, 16 तक तो पूरा भाग जाएगा, फिर अपने पास कितना शेष बचेगा, 1। यदि शेष बच रहा है, मैंने क्या कहा, 4 का भाग देने के बाद यदि शेष बच रहा है तो वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण। कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। ये तो बात है साधारण वर्ष की। दूसरी बात है अधिवर्ष की। अब यदि बात करें अधिवर्ष की, तो अधिवर्ष में आप क्या समझेंगे,
जैसे यदि मैं यहां लिखूं 2008, आपको भाग चार का ही देना है, कितने का देना है, चार का ही। चार का भाग देने के बाद यदि आपके पास कुछ भी शेष ना बचे, यानी चार का भाग पूरा पूरा चला जाए या चार से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो वो वर्ष कौन सा होगा, अधिवर्ष। यानी जीरो और आठ में आप चार का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा दो बार, आपके पास शेष कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये वाला वर्ष कौन सा है, अधिवर्ष। तो आपको क्या बताया, वह वर्ष कौन सा होगा जिसमें चार का भाग देने के बाद यदि कुछ शेष बच रहा है तो वो तो कौन सा होगा, साधारण वर्ष। यदि चार का भाग देने के बाद कोई भी शेष ना बचे, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो क्या होगा, अधिवर्ष। देखो मैंने आपको एक तो चीज बताई परिभाषा, परिभाषा में क्या कहा, वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार समान हो तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। फिर दूसरी बात कहा कि वह वर्ष जिसका प्रथम दिन और अंतिम दिन को वार समान न हो तो कौन सा होगा, अधिवर्ष। दूसरी बात मैंने कहा जांच करने का तरीका, वो मैंने क्या कहा, यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों में, कहां के अंतिम दो अंक यानी इकाई और दहाई के अंक में आपको कितने का भाग देना है, चार का, चार का भाग यदि पूरा पूरा चला जाए तो वो वर्ष तो होगा अधिवर्ष, और चार का भाग यदि पूरा पूरा नहीं जाए, कुछ शेष बचे, वो होगा साधारण वर्ष। ये तो बात हो गई, एक तो परिभाषा, एक दूसरा आपकी कौन सा साधारण होगा और कौन सा अधिवर्ष होगा। उसके बाद तीसरी जो बात है अपनी, इन दोनों में अंतर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से पूरा कैलेंडर अपना हल हो जाएगा। तो बात करते हैं दोनों के अंतर की, तो जरा ध्यान से देखना। एक तो मैंने कहा, एक तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष, और एक कौन सा वर्ष होगा, अधिवर्ष। साधारण वर्ष कौन सा होगा, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जिस वर्ष में चार का भाग देने के बाद कुछ भी शेष ना बचे वो तो अधिवर्ष, और चार का भाग देने के बाद कुछ शेष बच रहा है वो कौन सा होगा, साधारण वर्ष। अब बात करते हैं साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होंगे, तो साधारण वर्ष में कुल दिनों की जो संख्या है वो होगी 365, और जो अधिवर्ष है उसमें कुल दिनों की संख्या होगी 366। यहां 366, अधिवर्ष में कुल कितने दिन होंगे, 366 दिन, और साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होंगे, 365 दिन। अब बात करते हैं इसमें एक दिन कम और इसमें एक दिन ज्यादा किस फॉर्मेट से होगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था जो फरवरी का महीना है, कौन सा महीना, फरवरी का, उसमें मैंने कहा कि एक तो 28 दिन होंगे और एक क्या होंगे, 29। तो आप शायद समझ गए होंगे यदि एक ज्यादा जिस वर्ष में हो रहा है उस वर्ष में फरवरी में एक दिन ज्यादा होगा, यानी जिस वर्ष में 29 दिन की फरवरी आएगी वो तो क्या होगा, अधिवर्ष, और जिस वर्ष में फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही होंगे वो कौन सा होगा, साधारण वर्ष। यानी साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन आएंगे, 28, और अधिवर्ष में फरवरी माह में कितने दिन आएंगे, 29। तो बात करते हैं साधारण वर्ष में कुल कितने दिन, 365, और अधिवर्ष में कुल कितने दिन, 366। ये तो बात है कुल दिनों की। इसके बाद आपको एक शब्द याद रखना है, अतिरिक्त दिन। क्या याद रखना है, अतिरिक्त दिन, वो मैं बता रहा हूं अतिरिक्त दिन का क्या मतलब है। यदि आपको ये अतिरिक्त दिन याद हो गया या अतिरिक्त दिन आपको समझ में आ गया तो समझना अपना कैलेंडर पूरा कंप्लीट ही समझना, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यदि आपको ये अतिरिक्त दिन का जो फंडा है, जो इसका बात है, वो आपको यदि समझ में आ गई तो समझना कैलेंडर का टॉपिक पूरा क्लियर है। यदि बात करें अतिरिक्त दिन आप किसको कहेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अतिरिक्त दिन मैं बोल रहा हूं, अतिरिक्त दिन किसको कहेंगे, ओवर डेज, एक्स्ट्रा डे, मतलब सप्ताह के अलावा, ध्यान से सुनना, सप्ताह के अलावा, किसके अलावा, सप्ताह के अलावा
यानी सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे? सात। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सात दिन के अलावा जो भी दिन है वो क्या होगा? अतिरिक्त दिन। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना, जैसे मैं कहूं कि आठ दिन में कितने अतिरिक्त दिन हैं, आठ दिन में कितने अतिरिक्त दिन हैं। तो यदि बात करें, आप कहेंगे कि आठ दिन में सात दिन का तो क्या बन गया? एक सप्ताह। तो मैंने क्या कहा था? सप्ताह को छोड़कर या सप्ताह के अलावा जो भी दिन है वो क्या होगा? अतिरिक्त। तो आप क्या कहेंगे कि आठ दिन में अतिरिक्त जो दिन है, एक तो क्या है सप्ताह, और अतिरिक्त दिन भी कितना है? एक दिन। तो आठ दिन में अतिरिक्त दिन कितना हुआ? एक। फिर यदि मैं बात करूं कि नौ दिन में अतिरिक्त दिन कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें भी एक तो सप्ताह है और दो दिन क्या है? अतिरिक्त। फिर यदि मैं बात करूं कि दस दिन में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तो दस दिन में फिर आप कहेंगे साहब एक तो सप्ताह है और अतिरिक्त दिन कितने हैं? तीन। यानी सात दिन का तो सप्ताह बना और उसके अलावा जो बचा वो क्या होगा? अतिरिक्त दिन। ये तो बात है अपने अतिरिक्त दिन की। अब इस बात को बड़ी संख्या यदि आ जाए कि 365 में 256 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो वो चीज आप कैसे डिफाइन करेंगे वो भी समझना। जैसे यदि मैं यहां आठ में सात का भाग दूं, आठ में मैंने क्या कहा था? अतिरिक्त दिन किसको बोलेंगे आप? सप्ताह के अलावा, मतलब सात दिन के समूह को छोड़कर जो भी दिन है वो क्या है? अपना अतिरिक्त दिन। तो इस आठ दिन में सात दिन का एक समूह बनेगा, वो बनेगा सप्ताह, उसके बाद में एक शेष बचेगा। तो यदि मैं बात करूं अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के तरीके की, तो आठ में आप कितने का भाग देंगे? जो भी दिनों की संख्या है उसमें सात का भाग देने के बाद जो भी शेष यदि बच रहा है वो ही क्या होगा? अतिरिक्त दिन। तो आठ दिन में सात का भाग देंगे तो अतिरिक्त कितना दिन बचेगा? एक। यानी आठ में सात का भाग दिया तो अपने पास शेष कितना बचा? एक। नौ में यदि आप सात का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? दो। दस में यदि आप सात का भाग देंगे तो अपने पास शेष कितना बचेगा? तीन। तो मैंने क्या कहा? सात का भाग देने के बाद जो भी शेष बचे वही क्या होगा? अतिरिक्त दिन। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि अतिरिक्त दिन किस बात से आप या किस चीज से निकालेंगे, या अतिरिक्त दिन क्या बात है। अब बात करते हैं अपने साधारण वर्ष और अधिवर्ष की, तो वो भी समझना आप एक बार। बात करें साधारण वर्ष में, मैंने कहा कि कुल कितने दिन होंगे? 365। अधिवर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 366। बात करते हैं यदि इस 365 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो मैंने कहा था अतिरिक्त दिन का आप कब या किस फॉर्मेट से याद करेंगे? सात का भाग देने के बाद। तो 365 में यदि सात का भाग देंगे, सात पांच 35, पांच बार गया, फिर यहाँ एक, सात दूनी 14, दो बार तो 52 बार, तो पूरा पूरा यानी आप कह सकते हैं कि 52 सप्ताह प्लस एक दिन, 52 सप्ताह प्लस एक दिन। और यदि यहाँ अधिवर्ष में टोटल दिन कितने? 366। यदि यहाँ सात का भाग देंगे तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 52 सप्ताह, 52 बार तो पूरा पूरा जाएगा भाग, तो 52 सप्ताह प्लस दो दिन। तो जो यहाँ शेष बच रहा है 365 में सात का भाग देने के बाद, यहाँ अपने पास शेष कितना बचा? एक। और यहाँ 366 में सात का भाग देने के बाद शेष कितना बचा? दो। तो मैंने क्या कहा था कि सात का भाग देने के बाद जो शेष बचे वही क्या होगा? अपना अतिरिक्त दिन। तो आप ये बोल सकते हैं कि साधारण वर्ष में, क्या बोल सकते हैं? साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा? एक दिन। कितना होगा? एक दिन। क्या होगा? अतिरिक्त दिन। और अधिवर्ष में, अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा? दो। ये वाली बात कहां से निकाली अपने? आपको समझ में आएगा वहां से। मैंने क्या कहा था कि साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होंगे? 365।
यदि उसमें सात का भाग देने के बाद अपने पास जो शेष बचेगा एक, तो मैंने कहा था सप्ताह के अलावा या सात का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को आप क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन। क्या बोलते हैं साथियों, अतिरिक्त दिन। तो आपको ये दो बात याद रखनी है बस, और कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दो बात क्या है और कहां से आई, मैंने आपको समझाया है, फिर बता रहा हूं। एक साधारण वर्ष में, कितने वर्ष में, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, एक, और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, दो। मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ ये अतिरिक्त दिन याद रखना है। तो मैंने कहा कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, एक, और अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, दो। एक तो ये बात, अब बात करें इससे आगे की। तो यदि मैं आपको कहूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, एक। अब मैं आपसे बोल दूं कि तीन साधारण वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं साधारण, तीन साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तो आप कहेंगे जी एक साधारण वर्ष में तो एक दिन होता है, तो तीन यदि साधारण वर्ष हैं तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तीन। और यदि मैं आपको कहूं कि एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, दो, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि दो अधिवर्ष हैं, कितने अधिवर्ष हैं, दो अधिवर्ष, तो दो अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन, दो अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, तो आप कह देंगे कि एक में यदि दो है तो दो वर्षों में अधिवर्षों में अतिरिक्त दिन कितने, चार। आपको समझ में आया होगा ये बात, फिर बता रहा हूं आपको याद रखना है एक साधारण वर्ष में, और कुछ याद नहीं रखना, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन आपको कितना होगा, एक, और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, दो। कितना होगा, दो। सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। ये तो बात हुई अपने साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना और अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, जो मैं आपको तीसरा पॉइंट समझा रहा था कि दोनों में जो अंतर है वो आपको याद रखना है। तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, एक, और अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, दो। अब बात करते हैं, एक तो अंतर ये है दोनों में, दूसरा जो अंतर है वो अंतर क्या है कि साधारण वर्ष में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था और फिर बता रहा हूं, साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होंगे, 28, और अधिवर्ष में, कौन से वर्ष में, अधिवर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होंगे, 29। कितने होंगे, 29। तो जरा ध्यान से फिर सुनना, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ हटकर है, इस टॉपिक को फिर बता रहा हूं, आपको सिर्फ याद रखना है एक ही शब्द पूरे कैलेंडर में, वो है अतिरिक्त दिन। क्या है, अतिरिक्त दिन। तो अब मैं आपसे कुछ बातें बोल रहा हूं, आप लोग उसको अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं ये बोलूं कि साधारण वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन आएंगे, तो आप कहेंगे कितने दिन आएंगे, 28, और अधिवर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन आएंगे, 29। अब यदि मैं ये वाली बात बोल दूं, इसे थोड़ा सा उल्टा याद भी रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कहूं कि किसी वर्ष फरवरी महीने में 28 दिन ही आए, फरवरी में कितने दिन आए, सिर्फ 28 दिन ही, तो आप कहेंगे कि वो वर्ष कौन सा होगा, साधारण। कौन सा होगा, साधारण। और यदि मैं ये बोल दूं कि फरवरी महीने में, किसी वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन आए, तो आप क्या कहेंगे साहब, वो वर्ष कौन सा होगा, अधिवर्ष। साथियों इतनी बात सबको समझ में आई होगी, तो जरा ध्यान से देखना। ये तो बात थी अपने एक शब्द अतिरिक्त दिन की। तो अपन ने अभी पढ़ा एक तो दिन, एक दिवस, एक सप्ताह, एक महीना और एक वर्ष। इससे बड़ी जो इकाई है, जरा ध्यान से देखना, अपन ने एक तो पढ़ा है दिवस, उसके बाद में अपन ने एक पढ़ा था दिन, उसके बाद एक पढ़ा था अभी अपन ने सप्ताह, उसके बाद में पढ़ा अपन ने एक वर्ष, और इससे बड़ी जो इकाई है वो आता है शताब्दी। क्या आता है साथियों, शताब्दी। तो जरा ध्यान से देखना, अपन ने दिवस के बारे में समझ लिया, दिवस क्या होगा, 12 घंटे की अवधि। दिन क्या होगा,
24 घंटे की अवधि, सप्ताह क्या होगा 7 दिन की अवधि, और वर्ष क्या होगा, एक तो साधारण वर्ष कहा था जिसमें आप कहेंगे कि 365 या 366 जो दिन है वो एक वर्ष होगा, 365 का साधारण वर्ष और 366 का अधिवर्ष। अब बात करते हैं शताब्दी की, तो शताब्दी आप किसको बोलेंगे, शताब्दी कहेंगे 100 वर्षों का समूह है। कितने वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह है, उसको आप क्या कहेंगे, शताब्दी। मैंने क्या बोला, 100 वर्षों का समूह है, यानी जिस वर्ष समूह में 100 वर्ष हो, या आप कह सकते हैं 100 वर्ष जहां पूरे हो गए, या 100 वर्ष जो कंप्लीट समूह है 100 वर्ष का, वो क्या होगा, शताब्दी। क्या होगा, शताब्दी। जरा थोड़ा सा हटकर एक बात है कि यदि मैं कहूं कि ये वाला जो वर्ष है 100वां वर्ष, मैं कहूं ये 200वां वर्ष, ये 300वां वर्ष, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था 2008, 2009 ये वर्ष, ये आपने समझा था अधिवर्ष, 2009 आपने समझा था साधारण वर्ष, उसी प्रकार से ये 100वां वर्ष, ये 200 वर्ष, ये 300वां वर्ष, यदि मैं बात करूं 400वां वर्ष, इनमें कौन सा तो साधारण वर्ष होगा। यदि साथियों बात किया जाए इसको बोलने का तरीका, तो ये होगा शताब्दी वर्ष है, ये क्या है, शताब्दी वर्ष। तो यदि मैं बात करूं ये 100वां जो शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है या अधि शताब्दी वर्ष है। तो आपको मैंने कहा था कि साधारण वर्ष और अधिवर्ष ज्ञात करना हो या उसको जांचना हो तो उसमें आपने कितने का भाग दिया था, 4 का। कितने का भाग दिया था, 4 का। लेकिन यदि ऐसा आपको मिले कि ये 100वां वर्ष साधारण है या ये साधारण है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, तो इस बात की आप जांच जो करेंगे ना, वो आपको करना है कितने का भाग देकर, 400 का। कितने का भाग देकर करना है, 400 का। यदि वही चीज याद रखना है, 400 का भाग देने के बाद यदि कोई भी शेष ना बचे तो वो तो होगा अधि शताब्दी वर्ष। कौन सा होगा, अधि शताब्दी वर्ष। जैसे यदि मैं यहां की बात करूं तो यहां पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो जो 400वां वर्ष था वो अधि वर्ष था। कौन सा वर्ष था, अधि वर्ष। यहां 300 में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। ये भी कौन सा है, साधारण वर्ष। और ये भी कौन सा है साथियों, साधारण वर्ष। फिर बता रहा हूं अपने परीक्षा में प्रश्न सीधा यहां से एक पूछा जाता है, वो किस फॉर्मेट से पूछा जाता है जरा देखना। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, कौन सा अधिवर्ष है। जैसे मैं यहां लिखूं, पहला ऑप्शन 2009, दूसरे ऑप्शन में मैंने लिखा 2017, तीसरे ऑप्शन में मैंने लिखा 2007, और चौथे ऑप्शन में मैंने लिखा 1200। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, तो कौन सा अधिवर्ष है, तो मैंने अभी आपको कहा था कि अधिवर्ष तो होगा जिस वर्ष में आप 4 का भाग देना सिखाया और एक आपको 400 का भाग देना सिखाया। ये दोनों बात फिर बता रहा हूं ध्यान से देखना, 4 का भाग और 400 का भाग, 400 का भाग जो देना था वो तो देना था आपको शताब्दी वर्ष में, कौन से वर्ष में देना था, शताब्दी वर्ष में, और 4 का भाग जो देना है वो आपको देना है वर्ष में। एक तो बात यह है, दूसरी बात यदि मोटे तौर पर बात करें, जिस वर्ष में इकाई और दहाई, मैंने क्या कहा, इकाई और दहाई, जैसे यदि यहां मैं लिखूं 100, यहां इकाई और दहाई दोनों के दोनों अंक यदि 00 हैं, यहां यदि मैं लिखूं 1700, यहां लिख दें 1800, यदि लिख दें 1200, यदि इकाई और दहाई दोनों के दोनों अंक 00 हैं तो उसमें आपको भाग देना है कितने का, 400 का। और यदि दोनों में 00 नहीं है, एक भी यदि संख्या है 0 के अलावा,
तो उसमें भाग देना है आपको चार का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कितने का भाग देंगे आपको, चार का। यदि यहाँ चार का भाग देंगे तो आपके पास कितना शेष बच रहा है, एक। यदि यहां मैं बात करूं चार के भाग की तो यहां भी कहेंगे साहब आप एक शेष बच रहा है। यदि यहां चार का भाग देंगे, और यहां चार का भाग क्यों दे रहे हैं आपको समझ में आया होगा, यदि यहां चार का भाग देंगे तो यहां आपके पास शेष बचेगा तीन। तो मैंने कहा था जिस वर्ष में चार का भाग देने के बाद यदि शेष बच रहा है तो वो कौन सा होगा, साधारण वर्ष। और आपसे पूछा है कि अधिवर्ष है, तो ये तीनों ही अधिवर्ष नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ये अधिवर्ष है क्या, तो मैंने कहा यदि 1200 की मैं बात करूं कि ये अधिवर्ष है तो देखो लास्ट के दोनों अंक 00 हैं, तो कितने का भाग देंगे, 400 का। और वही चीज याद रखना है, 400 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाए तो अधिवर्ष होगा, तो यहाँ 400 का भाग पूरा पूरा तीन बार जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा है, अधिवर्ष है। तो इस प्रश्न का यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर कौन सा होगा, चार नंबर ऑप्शन। सबसे पहली बात, पहला टाइप का प्रश्न यही बनता है कि निम्न में से साधारण वर्ष कौन सा है और निम्न में से अधिवर्ष कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। बात करते हैं इससे आगे की। अब आपको एक तो पहली टाइप का प्रश्न ये पूछता है कि साधारण वर्ष कौन सा है और अधिवर्ष कौन सा है। दूसरा आपको जो प्रश्न पूछता है वो इस फॉर्मेट का पूछता है, जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको दो चीज सिखाई है बस, अब आपको कुछ नहीं का समझना, सीधे मैं प्रश्न पे बात कर रहा हूं, अब आप उसके कुछ अभ्यास करेंगे जितना भी अपन पढ़ा था वहां तक की बातों में। तो जरा देखना, एक बार एक प्रश्न पूछा है एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कुल कितने दिन होंगे, प्रश्न है अपना एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कुल कितने दिन होंगे। ये वाला प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 के पेपर में था, पूछा हुआ प्रश्न है। और यदि यहां पहली बार जो विद्यार्थी है वो इसमें डाउटफुल भी होता है कि यहां एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कुल कितने दिन होंगे, प्रश्न पूछा हुआ है, जितना अपन ने पढ़ा उसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया, जरा ध्यान से देखना एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कितने कुल कितने दिन होंगे। तो जरा ध्यान से समझना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि मैं कहूं कि एक सप्ताह में कितने सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन, तो आप कहेंगे साहब सात दिन, कितने दिन, सात दिन। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, एक गुणा सात दिन, बात तो वही है क्या, सात ही आएगा क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि एक सप्ताह में कितना दिन, एक गुणा सात दिन। तो आप कहूं कि यदि मैं दो सप्ताह की बात करूं तो दो सप्ताह में कितना दिन, तो आप कहेंगे दो गुणा सात दिन, यानी चौदह दिन होता है, तो दो गुणा सात भी चौदह दिन ही होता है। तो तीन सप्ताह की यदि मैं बात करूं तो यहां मैं बात करेंगे तो आप कहेंगे तीन गुणा सात दिन। तो यदि मैं बात करूं कि एक्स सप्ताह में कितने दिन, तो एक्स सप्ताह के यदि दिनों की संख्या बात करें तो एक्स सप्ताह में देखो एक सप्ताह में एक से गुणा हुआ सात, दो सप्ताह में दो से गुणा हुआ, तीन सप्ताह में तीन से गुणा हुआ। तो अब आपको बात करनी है एक्स सप्ताह में, तो एक्स सप्ताह में आप कहेंगे कि एक्स गुणा सात, यानी सात एक्स दिन, ये क्या आए हैं दिन। तो अब आप बोल सकते हैं कि यदि यहां की बात करें एक्स सप्ताह में दिन, तो आप कह सकते हैं सात एक्स दिन, क्या बोल सकते हैं सात एक्स दिन। और आपको एक्स दिन और जोड़ना है, तो इसी में यदि एक्स दिन और जोड़ दें तो इसका जो उत्तर होगा सात एक्स प्लस एक्स कितना होगा आठ एक्स, इसका जो सही उत्तर था वो था अपना आठ एक्स, समझ में आया होगा। बात करते हैं इससे आगे की। देखो जितना अभी अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर मैं कुछ प्रश्न करवा रहा हूं, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक प्रश्न अपनी परीक्षा में आता है इस फॉर्मेट का, यदि पच्चीस जनवरी
2002 को सोमवार था तो जनवरी 2005 को क्या वार था? यह आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप अब आप इस प्रश्न को किस फॉर्मेट से करेंगे? कुछ विद्यार्थी यहां आकर कुछ सूत्र लगाते हैं, कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैंने अभी आपको कहा था वो चीजें आपको याद रखनी है। मतलब यदि आप इस प्रश्न को सोल्व करें तो साथियों जरा ध्यान से देखना, आपको प्रश्न में कौन सी बात देखनी है वो मैं बता रहा हूं, अच्छे से देखना। आपको दिया है यदि 25 जनवरी 2002 को सोमवार था तो 25 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? तो जरा देखना, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूं, उसको समझना, उसके बाद यहां प्रश्न पर आएंगे। मैं कहूंगी किसी महीने की एक तारीख को सोमवार है मान लीजिए, और आपसे पूछा जाए कि उस महीने की 5 तारीख को क्या वार होगा, तो आप लोग क्या करते हैं जी, 2 तारीख को मंगलवार होगा, 3 तारीख को बुधवार होगा, 4 तारीख को गुरुवार होगा, 5 को क्या होगा, शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। कुछ लोग ऐसा करेंगे, या मैं इसी को ऐसा बोल दूं कि 1 तारीख को यदि सोमवार है तो 5 तारीख को क्या वार होगा। तो यहां से यहां दोनों के बीच में दिनों की संख्या कितनी है, 4 दिन का अंतर है, तो 4 दिन यदि सोमवार में जोड़ दें तो आगे का आंसर भी आ सकता है। समझने की कोशिश करना एक बार। तो यदि सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार, 2 जोड़ते ही बुधवार, 3 जोड़ते ही गुरुवार और 4 जोड़ते ही शुक्रवार। तो इसका मतलब यहां भी वही उत्तर आया और यहां भी वही आया। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको सेम यही फॉर्मेट यहां लगाना है। यहां तो कैलकुलेशन थी सिर्फ दिनों की, अब यहां है वर्ष की। ये वाली चीज भी मैं सिखाऊंगा आपको कि यहां आप लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली टाइप का और आसान प्रश्न है ये वाला, और ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें, यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। 25 जनवरी 2002 को सोमवार था और आपसे पूछा जाए कि 25 जनवरी 2005 को क्या वार था। तो साथियों यहां देखना कि जो तारीख है दोनों जगह सेम है, आपको जो अंतर है, यहां जो अंतर है वो सिर्फ वर्ष का है, यहां 2002 है और 2005 का आपसे पूछा है, तो कितने साल का अंतर है, ध्यान से देखना कितने साल का अंतर है। तो आप कह सकते हैं आसानी से, साहब 3 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 3 साल का। समझ में आया? दूसरी बात आपको क्या करना है, अब मैं आपको कहूंगी 3 साल का जो अंतर है, तो मैंने आपसे ये कहा था थोड़ी देर पहले कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 1, और एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 2। अब यदि यहां मैं बात करूं तो 3 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो फिर आप कहेंगे कि साहब 2002 से 2005 के बीच में 2004 का जो वर्ष है वो अधिवर्ष भी आया है। क्या आया है? अधिवर्ष। तो इसका मतलब 3 साल में अधिवर्ष कितना है, 1। तो जो 2 बचे वो कौन से वर्ष बचे, साधारण, यानी साधारण 3 साल में साधारण वर्ष कितने हैं, 2, और अधिवर्ष कितने हैं, 1। आपको समझ में आया होगा, फिर बता रहा हूं क्या करना है, दोनों तारीखों के बीच में आपको देखना है कि कितने साल का अंतर है। तो यहां जो अंतर की बात है, यहां है 1 तो अधिवर्ष, 3 साल का अंतर था, 3 साल में 1 अधिवर्ष और 2 क्या है, साधारण वर्ष। फिर मैंने आपको कहा कि 1 अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 2, और 1 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 1। ये या आपको याद है ही, सिर्फ यही याद रखना है, कोई भी प्रश्न हो चाहे, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 1, और अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 2। तो यहां साधारण वर्ष कितने हैं, 2, तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 2, 1 में 1 है तो 2 में 2। यहां अधिवर्ष कितना है, 1, तो 1 में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 2, तो टोटल दिन कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। समझ में आया ये वाली बात, कितने दिन हो गए अतिरिक्त, 4। अब जितने यहां अतिरिक्त दिन आए, जितने भी यहां अतिरिक्त दिन आए वो इस वार में जोड़ देना, यहां का उत्तर आ जाएगा।
तो सोमवार में चार जोड़ देंगे, ये उत्तर आएगा। तो एक जोड़ देंगे, थोड़ी देर पहले बताया था, एक जोड़ेंगे सोमवार, सॉरी यहाँ सोमवार है तो सोमवार में एक जोड़ेंगे मंगलवार, दो जोड़ेंगे बुधवार, तीन जोड़ेंगे गुरुवार और चार जोड़ेंगे शुक्रवार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 25 जनवरी 2005 को क्या वार था? शुक्रवार। इसके आधार पर बता रहा हूं, समझ में आया? एक प्रश्न की और चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना। यदि आपको प्रश्न ऐसा आ जाए, March 16, 2003 को मंगलवार था तो 16 मार्च 2007 को क्या वार था? जो थोड़ी देर पहले समझाया वही प्रश्न है, देखना अच्छे से, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा था, यदि तारीख दोनों जगह समान हो, यहां 2003 है यहां 2007 है, तो सबसे पहले आपको देखना है दोनों में कितने वर्ष का अंतर है। तो यहां कितने साल का अंतर है साथियों? 4 साल का। फिर आप कहेंगे साहब 4 साल में एक तो है अधिवर्ष, क्या है? अधिवर्ष है। क्या अधिवर्ष? 2003 और 2007 में 2004 अधिवर्ष है और 3 है साधारण वर्ष। फिर मैंने कहा कि एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना? 2 और 3 साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 3, क्योंकि एक में एक तो 3 में 3, टोटल अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 5। जितने भी यहां टोटल अतिरिक्त दिन आए, ये लिख रहा हूं अतिरिक्त दिन, तो वो यहां जोड़ दें आप। तो 5 यदि मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो मंगलवार में 5 जोड़ते ही अपना बनेगा रविवार। समझ में आया होगा। फिर एक प्रश्न की चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना। अपना प्रश्न है 25 फरवरी 2001 को रविवार था तो 25 फरवरी 2009 को क्या वार था? किस फॉर्मेट से समझाया था, ध्यान से देखना, फिर समझा रहा हूं। आपको देखना है यहां तारीख और वह महीना दोनों जगह समान है, तो आप क्या करेंगे, यहां कितने वर्ष का अंतर है? तो यहां कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का। फिर आपको देखना था इन 8 वर्षों में कितने अधिवर्ष आए। तो यहां से यहां के यदि मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे 2004 अधिवर्ष है और 2008 भी क्या है? अधिवर्ष। तो अधिवर्ष कितने हो गए? 2। तो साधारण वर्ष कितने बचे? 6। तो फिर मैंने आपको कहा था एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिन कितना? 2। तो यहां अधिवर्ष कितने हैं? 2। तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 4। फिर मैंने कहा कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना? 1। तो यहां साधारण वर्ष कितने हैं? 6। तो यहां कितने हो जाएंगे? 6। टोटल अतिरिक्त दिन कितने हैं? 10। तो मैंने कहा था अतिरिक्त दिन सप्ताह के अलावा यानी 7 दिन के अलावा, यहां 10 है तो फिर 7 का भाग दे देंगे तो यहां कितना अतिरिक्त दिन आएगा? 3। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी? 3। तो जितने भी अतिरिक्त दिन आए वो आपको यहां जोड़ना है। यदि रविवार में आप 3 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ते ही सोमवार, 2 मंगलवार और 3 जोड़ते ही क्या होगा? बुधवार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बुधवार। आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी कि आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही शेष, अगली कक्षा में। धन्यवाद।